2000 भी तो आई सर, 2000 भी आई, 1000 भी आई, 500 रुपए भी आई। क्यों आई ये? माइनस 500,000 भी आई, माइनस 5,000 रुपए भी मिलते हैं। एक एक करके बात करो। से ज्वाइन हुआ हूँ, तीसरा दिन था मेरे बिंकी रोड पे ड्यूटी लगी थी। 84 सवारी थी जिनकी टिकट हम 71 की काट चुके थे, बाकी की काट रहा था और ये चेकिंग दल ने हमको जबरदस्ती मेरी WT-13 की लगा दी, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 5,000 पेनल्टी लगाई, मैंने जमा कर दी है। अब हम कहाँ जाएं? जेवर बेच के पैसे लाए थे, दिए थे, कहाँ जाएं? काहे के लिए पैसे लाए थे? नौकरी के लिए। कितने दिए थे आपने? 1,00,000। राहुल चौहान ने भर्ती किया, 1.5 लाख रुपए प्रत्येक कनेक्टर से पैसे लिए गए हैं। एक भी कनेक्टर ऐसा बाकी नहीं कि जिससे 1.5 लाख रुपए दलाली के रूप में न लिया गया हो। प्रत्येक कनेक्टर से दलाली 1.5 लाख रुपए ली गई है, फिर उसको रात उसको 4 दिन रहने के बाद ड्यूटी पे WT लिखा करके और फिर वापस लात मार के गेट के बाहर भगा देते हैं, नई भर्ती करवा लेते हैं। भ्रष्टाचार का ज्ञान हम लोगों को बांटते हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, WT कर रहे हैं, और जिन लोगों का कोई WT कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि आप लोग 1.5 लाख रुपए प्रत्येक कनेक्टर की भर्ती कर रहे हैं और बराबर रेगुलर अभी भी रेगुलर इनकी भर्ती चल रही है, कभी इनकी बंदी नहीं होती है। बस है यहाँ पे 60 और कनेक्टर भर्ती है 300। 1 लाख रुपए लिया है, उसके बाद हमको 9 WT में बैठा दिया गया। कितने पेमेंट नहीं दिया? 3-4 महीने से पेमेंट भी नहीं आ रही। 25% PF काट रहे हैं, ठीक है, जो कि 12,000 रुपए, मतलब 12% PF करना चाहिए, ठीक है। और ये लोग पूरा सैलरी टाइम से नहीं देते हैं, पेमेंट हाथ में कैश में कहते हैं ले, और ना PF कट रहा ना कुछ कट रहा।